के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। फिनो पेमेंट बैंक में हुई 9,57,269 रुपए की चोरी की घटना में बैंक के कैशियर सहित 3 चढ़े पुलिस व क्राइम ब्रांच के हत्थे। 3,42,590 रुपए हुए बरामद। पुलिस को दी थी चोरी की झूठी सूचना, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। विकास भवन के विभिन्न विभागों का प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ ने किया औचक निरीक्षण। समय से ऑफिस नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को दी कड़ी चेतावनी, कहा आदत सुधारे नहीं तो होगी कार्रवाई। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता और जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाने एडीजी के नेतृत्व में सड़क पर उतरे पुलिस के आला अधिकारी, किया पैदल मार्च। लोगों से हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने की अपील, कहा करें ट्रैफिक नियमों का पालन ताकि सुरक्षित रहे जिंदगी। प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रधानाचार्यों की बैठक। स्कूलों के नए सत्र में पठन पाठन की व्यवस्था बेहतर बनाने सहित विभिन्न नियमों की दी गई जानकारी। महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण को लेकर एसपी क्राइम ने की बैठक। शामिल हुए विभिन्न विभागों एवं संगठनों के सदस्य एवं विशेषज्ञ। रेलवे के जीएम की अध्यक्षता में क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई संपन्न। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने बड़ी सजगता के साथ राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने पर दिया जोर। नगर निगम में नगर आयुक्त कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे विरोधी दल के पार्षद, किया महापौर व नगर आयुक्त से धन आवंटन करने की मांग। एसपी ट्रैफिक ने शिक्षकों को पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ, कहा जरूर लगाएं हेलमेट व सीट बेल्ट ताकि आपके स्टूडेंट भी ले सकें आपसे प्रेरणा। बुधवार को छूटे हुए विवेचकों के साथ की एसएसपी ने गुरुवार को की समीक्षा। लंबित विवेचना के समय से पूरा करने के दिए निर्देश। और नागरिक सुरक्षा कोर ने जल संरक्षण में पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत किया जन जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन। पानी की बर्बादी और पॉलीथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर हुई चर्चा।